मेरा पर्सनल जो फेवरेट है वो विराट कोहली है। जो भी किसी भी प्लेयर के बारे में अच्छी बात की है वो पिकअप करें, लेकिन उसका स्टाइल कॉपी ना करें, बस फिर आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन सकते, आप किसी की कॉपी बन सकते हैं। शामिल ये बता दें कैसा लगा पाकिस्तान जूनियर टीम में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पहले भी कह चुका हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, हमें बहुत ज़्यादा हमें एक्सपोजर मिल रहा है, फॉरनर प्लेयर्स आए हुए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जेल हो रहे हैं साथ साथ, और ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ जो मीडिया अटेंशन मिलती है आपको उसके अंदर परफॉर्म करना वो बड़ी ब्लेसिंग है। एज ए प्लेयर खेलना डिफरेंट होता है, एज ए कैप्टन लीड करना कैसा लगा? ऑब्वियसली एज अ प्लेयर बंदा आई थिंक मेन चीज़ ऑब्वियसली हर प्लेयर का जो अच्छा प्लेयर उसका यही होता है कि आप अपनी टीम के लिए जूझा करें, लेकिन आई थिंक कैप्टनसी के साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपके बहुत ज़्यादा बोझ होता है आपके कंधों के ऊपर, आपने टीम को साथ लेके चलना है। ऑब्वियसली अगर टीम हारेगी तो वो यही कहेंगे कि कैप्टन उस कैप्टन ने जितवाया है, कैप्टन ने हरवाया, मेन बात उसके ऊपर आती है, तो ऑब्वियसली होता तो है, लेकिन आई थिंक जब बंदा ग्राउंड के अंदर जाता है, जब बंदा गेम के अंदर इन्वॉल्व होता है, मेरे लिए मैं तो भूल जाता हूँ कि क्या क्या हो रहा है, तो मैं तो बस अपनी गेम पर फोकस करता हूँ और मेन चीज़ यही है कि टीम को जितवाना है। जीएल में आपको आगाज़ भी अच्छा मिल गया, इवन के लीजेंडरी मेंटोर्स हैं, इनमें से कौन सा मेंटोर आपका फेवरेट है? ऑब्वियसली हमारे जो मेंटोर है वो सबके ही फेवरेट है, सारे हमें कहते हैं कितने खुशकिस्मत है हमें विव रिचर्ड्स मिला है, तो वो मतलब कि जितने ग्रेट आदमी हैं वो इतने हम्बल आदमी, इतने जॉयफुल आदमी हैं, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, वो हमें जिस तरह उठाते हैं उनका लेवल ही अलग है, वो जिस तरह उनका जो एनर्जी लेवल है ना वो लगता है कि वो हमारी उम्र के और हम उनकी उम्र के, वो जिस तरह एनर्जी से आते हैं आके टीम को उठाते हैं, पिछले मैच के अंदर 10 ओवर का तो हमारी टीम थोड़ी सी मोराल डाउन हुआ था, वो जिस तरह आए हैं जितने हाइप अप उन्होंने हमें किया तो उसके बाद हमारा एनर्जी लेवल खुद ही ऊपर चला गया था। एज ए बैट्समैन किस क्रिकेटर को फॉलो करते हैं? एज ए बैट्समैन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को फॉलो ना करूँ, लेकिन मेरा पर्सनल जो फेवरेट है वो विराट कोहली है। विराट कोहली कुछ सीखा विराट कोहली से ड्यूरिंग वीडियोस के दौरान? नहीं, मैं यही कहता हूँ कि आपको जो भी किसी भी प्लेयर के बारे में अच्छी बात की है वो पिकअप करें, लेकिन उसका स्टाइल कॉपी ना करें, बस फिर आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन सकते, आप किसी की कॉपी बन सकते हैं, तो कॉपी बनना है। क्या स्पेसिफिक है विराट कोहली? आई थिंक उसका जो अप्रोच है क्रिकेट की तरफ से, ऑब्वियसली टेक्निक बाबर आजम बहुत अच्छी, लेकिन उसकी जो अप्रोच जितने प्रोफेशनल जितने एग्रेसिवनेस से वो जाता है, बीच के अंदर उसे परफॉर्म नहीं हुआ लेकिन उसने वही अपना सर ऊँचा रखा और उसने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए। वो अमूमन देखा जाता है कि जो क्रिकेटर्स हैं उन्हें ज़्यादा खेलने से घर से डांट भी पड़ जाती है, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ घर से बाहर का? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मुझे तो कहते हैं कि आप जाके क्रिकेट खेलो, क्योंकि मेरे अबू उनका ख्वाब था कि पाकिस्तान की तरफ से खेलें लेकिन नहीं खेल पाए, तो उनका ख्वाब है कि वो मेरे थ्रू अपना क्रिकेट का जो ड्रीम है वो लिव करें, क्रिकेट का ड्रीम पूरा करें। एंड पे ये बता दें कि ये जो एक्सपोजर मिला है आपको, फॉरेन क्रिकेटर्स आए हैं, कैसी बॉन्डिंग रही? नहीं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग रही, हमारे लग रहा है कि बस हमारे इधर के लोकली दोस्त हैं, उन्होंने अपनी ज़बान के बारे में हमें सिखाया, अपने कल्चर के बारे में हमें सिखाया, हमने उनके अपने बारे में सिखाया, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत जेल हो गए हैं, ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड हमारी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई है। मैंने पूरा उम्मीद है कि पीवीएल में परफॉर्म करके पाकिस्तान सुपर लीग में अपना आगाज़ करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि करें, लेकिन मेन बात यह कि टीम को जितवाना है, ऑब्वियसली हमें गेम इसलिए खेलते हैं हमने जीतना, ये नहीं कि हमारा नाम बनेगा, नाम बन ही जाता है अगर अपनी टीम के लिए खेलेंगे, जैसे पिछली इनिंग्स में भी अगर अपनी टीम के लिए खेलोगे तो आपका नाम बन ही जाएगा, उस पर फोकस करना ज़रूरी नहीं है, मेन चीज़ ये कि आप अपनी टीम को जितवाओ, बाकी लगे।